हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनोहर चंदेलिया, टीम जूलॉजी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं माइनर 9 का सॉल्यूशन, जो टॉपिक आपके ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड एनिमल एम्ब्रियोलॉजी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डज नॉट इंक्लूड इन एक्सेसरी डक्ट इन मेल। मेल में एक्सेसरी डक्ट में इनमें से किस जेनिटल ऑर्गन को शामिल नहीं करेंगे? तो इसमें एपिडिडाइमिस, सेमिनल वेसिकल, वास डिफरेंशिया एंड वास डिफरेंस, कौन सा इंक्लूड नहीं होगा? सेमिनल वेसिकल जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि ये एक ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड है? ये रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है। बाकी एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंशिया, वास डिफरेंस, ये सारे सारे किसके पार्ट है? ये सारे इसमें जो है वो जिनाइटल डक्ट के या एक्सेसरी डक्ट के पार्ट हो गए। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, इन ह्यूमन मेल्स एक्सक्रिटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम शेयर द एक्सक्रिटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दोनों में कॉमन इनमें से क्या रहेगा? तो इसमें देखिए, टेस्टिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, यूरेथ्रा, तो इनमें से कॉमन जो है वो यूरेथ्रा होता है। जहां आपको ध्यान होगा कि एक साइड से सेमिनल वेसिकल से और इससे आने वाली जो इजेकुलेटरी डक्ट है वो यूरेथ्रा के साथ मिलती है यूरिनरी ब्लैडर से आने के बाद, और वो दोनों मिलके एक कॉमन डक्ट बनाते हैं, कॉमन यूरेथ्रा, जो यूरिनोजेनाइटल डक्ट होती है। क्लियर, तो ये इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, फोर्थ, यूरेथ्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन इन टू थ्रो। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है वो किस में ओपन होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन होती हैं ये वासाइफरेंशिया में, थ्रो रेटेरिस्टिस। तो पहले आपको ध्यान होगा इस टाइप से टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से ये इसके लोब्यूल, और लोब्यूल के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वो सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है वो यहाँ आके लास्ट में पहले रेटेटेस्टिस में ओपन होती है, और रेटेटेस्टिस से ये निकलती हैं वासाइफरेंशिया, ये निकलती हैं इसमें वासाइफरेंशिया। क्लियर, तो इसमें क्या जाएगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन इनटू वासाइफरेंशिया थ्रू रेटेटेस्टिस। तो करेक्ट आंसर इसका थर्ड हो जाएगा, वासाइफरेंशिया में ओपन हो रही है, किसके थ्रू? रेटेटेस्टिस के थ्रू ओपन होंगी। क्लियर, तो करेक्ट आंसर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फाउंड इन इंटरस्टिशियल स्पेस ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस के इंटरस्टिशियल स्पेस में कौन सी संरचना नहीं पाई जाती? स्मॉल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, सेकेंडरी ओसाइट ये नहीं होती, इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं, और लीडिंग सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। ये सारी स्मॉल ब्लड वेसल्स है, इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स है, लीडिंग सेल्स है, ये प्रेजेंट होती हैं, एनसीईआरटी में दे रखा है पूरा। सेकेंडरी ओसाइट जो है वो इसमें प्रेजेंट नहीं होती। सेकेंडरी ओसाइट किसका पार्ट है? ये ओवरी का पार्ट है, जो ओवरी के कोर्टेक्स में होता है। क्लियर, तो करेक्ट आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? सेकेंड आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 95, द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड ए, विच इज इंड्यूस्ड बाय ए कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग हॉर्मोन बी। तो ये प्रोसेस क्या है? चाइल्ड बर्थ की जो प्रोसेस है, उस चाइल्ड बर्थ की प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? चाइल्ड बर्थ की प्रोसेस है वो पार्चुरेशन है, और कौन से हॉर्मोन के थ्रू होती है? तो यहाँ क्या आना चाहिए? ऑक्सीटोसिन हॉर्मोन के थ्रू ये रेगुलेट होती है। ऑक्सीटोसिन हॉर्मोन इसके लिए क्या करता है? गर्भाशय में या यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन करवाएगा। जितने यूट्रस में फास्ट कॉन्ट्रेक्शन होंगे वो क्या करेंगे? रैपिड कॉन्ट्रेक्शन के कारण जो है वो उसमें लेबर पेन होंगे, और लेबर पेन के कारण जो है वो प्लेसेंटा वीक होगा, और धीरे धीरे एम्ब्रियो उससे या फीटस जो है उससे बाहर रिलीज होता है। क्लियर, तो ये करेक्ट आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? प्रोसेस को क्या कहेंगे? पार्चुरेशन। और किस हार्मोन के कारण होती है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण। क्लियर, तो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 96, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो, नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन ए जायगोट इज 46। करेक्ट है, जायगोट में हमेशा नंबर ऑफ क्रोमोजोम डिप्लॉइड होता है, जायगोट जो दोनों गैमेट के फ्यूजन से बन रहा है, इसलिए डिप्लॉइड जायगोट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होंगे। क्लियर,
Second, B statement है zygote formation usually occurs at ampulla in fallopian tube. Fallopian tube के ampulla में fertilization होगा, वहाँ zygote की formation होगी. Zygote is surrounded by zona pellucida. ये भी correct है कि zygote zona pellucida से surrounded होगा और उसके चारों तरफ corona radiate होती है. Next, number of cells in zygote are variable with reference to species. अलग अलग species के अंदर zygote में number of cells अलग अलग नहीं होते हैं, variable नहीं होंगे. हमेशा जाइगोट चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, जाइगोट में नंबर ऑफ सेल्स हमेशा वन होंगे, तो ये वेरिएबल नहीं होगा. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा इसमें, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कितने हो गए, एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो वन स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया. क्लियर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. 97. A woman has suffered from an abortion in second month of pregnancy. The possible reason can be. किसी भी फीमेल में second month के दौरान उसमें abortion हो जाता है, बच्चा abort हो जाता है. Which will be the possible cause? क्या कारण हो सकता है इसका? तो इसमें देखिए आप, increase in blood level of progesterone. Progesterone के blood level के increase होने से possible ही नहीं है, progesterone maintain करता है pregnancy को. तो ये तो इनकरेक्ट है. इंक्रीज इन ब्लड लेवल ऑफ एचसीजी, एचसीजी भी कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करेगा जो प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करेगी, तो ये भी इनकरेक्ट है. मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस लूटियम मेंटेन रहेगी तो भी एबोर्ट नहीं होता क्योंकि वो कंटिन्यू प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन करती रहेंगी. सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवरीज, ये करेक्ट है. ओवरीज की सर्जिकल रिमूवल हो गया तो ओवरी नहीं रहने से क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन होगा. प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन होने से प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं रहेगी और प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं रहने से बच्चा एबोर्ट हो जाएगा. क्लियर? तो पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवरीज. फोर्थ आंसर जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीक्स ऑफ एलएच एंड एफएसएच प्रोडक्शन अकर्स ड्यूरिंग. एलएच और एफएसएच के उत्पादन का उच्चतम स्तर होता है कब होगा. LH और FSH का लेवल पीक लेवल पे जो होता है वो LH सर्ज होता है. आपको ध्यान होगा मिड पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फॉलिकुलर फेज के या प्रोलिफरेटिव फेज के लास्ट में होता है और ओव्यूलेशन के जस्ट पहले होता है. तो ओव्यूलेशन के जस्ट पहले होगा तो द प्रियोर जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन, तो करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा. पहले में दे रखा है एंड ऑफ ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज के एंड में नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल फेज में भी नहीं होगा, पीरियड जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन जो होता है वो मेन किसके कारण होता है, एलएच सर्ज के कारण ओव्यूलेशन होता है और वो एलएच सर्ज क्या है, पीक लेवल ऑफ एलएच एंड एफएसएच, वो उसका एलएच सर्ज होता है. उस एलएच सर्ज के कारण जो है वो ओव्यूलेशन होता है. तो ये जस्ट ओव्यूलेशन के पहले जो है वो एलएच और एफएसएच का लेवल पीक लेवल पे होगा. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट, सेलेक्ट देन करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के संदर्भ में सही ये गलत कथन को पहचानना. इनकरेक्ट पूछा इसमें, तो इसमें देखिए आप इनकरेक्ट स्टेटमेंट के लिए आइडेंटिफाई करेंगे तो फर्स्ट दे रखा है सेमिनियल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन टेस्टिस आर साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन. करेक्ट है, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए स्पेसिफिक साइट टेस्टिस होते हैं. टेस्टिस की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इंटरनली लाइंड बाई जर्मिनल एपिथेलियम. ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है. लीडिंग सेल्स स्केटर्ड आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म. तो ये यहाँ तक इसमें सही है, स्केटर्ड आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर की तरफ ये प्रेजेंट होती हैं, बट फंक्शन इज रॉन्ग. प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म, न्यूट्रिशन स्पर्म को प्रोवाइड करने के लिए सर्टोली सेल होती है, लीडिंग सेल का न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में कोई रोल नहीं होता. क्लियर? तो करेक्ट आंसर, इनकरेक्ट पूछा तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए, थर्ड. स्पर्म वाइल पासिंग थ्रू एपिडिडाइमिस अटेन मोटिलिटी. ये भी करेक्ट है कि ये स्पर्म जो है वो एपिडिडाइमिस से पास आउट हो रहा है उस टाइम उसके अंदर मोटिलिटी अचीव करता है, वो अटेन करता है. तो इसका मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो गया, थर्ड स्टेटमेंट है वो, उसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी तीनों करेक्ट स्टेटमेंट है. क्लियर? नेक्स्ट,
Question number 100. Secretion of various accessory glands constitute seminal plasma. These do not include secretion of. इसमें accessory glands के जो secretion है, उन accessory glands के secretion से seminal plasma compose करते हैं. इस seminal plasma को compose करने में कौन सी gland का secretion जो है, वो इसमें शामिल नहीं है. तो इसमें prostate gland, seminal vesicle ये शामिल है. सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन सबसे ज़्यादा होता है, 65-70% होता है. 20-30% जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन होता है, और काउपर ग्लैंड का जो है इसका सिक्रीशन भी उसमें शामिल होता है. बार्थोलिन ग्लैंड जो है वो फीमेल की एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, फीमेल एक्सेसरी ग्लैंड होती है ये, इसलिए इसका सिक्रीशन इसमें शामिल नहीं है. क्लियर? तो ये इनके अंदर जो है वो करेक्ट आंसर क्या जाएगा इसका, फोर्थ इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि बार्थोलिन ग्लैंड है वो फीमेल में प्रेजेंट होती है और ये बाकी सारी की सारी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन के पार्ट है. क्लियर? 101. इन मेंस्ट्रुअल साइकिल इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस इट वुड लीड टू. अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन मेंस्ट्रुअल साइकिल में इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, फर्टिलाइजेशन या निषेचन अगर नहीं हो तो क्या होगा? तो निषेचन नहीं हो तो क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉलिकल, ये भी होगी, लेकिन ये कब होगी? एक पर्टिकुलर फेज आने के बाद होगी, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद होगी, मेंस्ट्रुअल फेज के बाद. तो ये डायरेक्ट नहीं होती. रिलीज ऑफ एफएसएस फ्रॉम पिट्यूटरी, वो भी नहीं होगा. डीजेनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, ये करेक्ट है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो अगले 14 डे के बाद ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन होने के जस्ट बाद जो है वो अगर वो ओवा जब फेलोपियन ट्यूब में जा रहा है, उस फेलोपियन ट्यूब में जाने वाले ओवा का अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो नेक्स्ट 14th डे में उसकी कॉर्पस ल्यूटियम ओवरी की वो कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाती है. क्लियर? तो वो डिजेनरेट होके कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकेंस बना देगी, जिससे प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हो जाता है. और प्रोजेस्टेरोन का डाउन लेवल क्या करेगा? प्रोजेस्टेरोन का डाउन लेवल है वो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को या वापस मेंस्ट्रुअल फेज को रिपीट कर देता है. क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डीजेनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम. इंक्रीज इन एस्ट्रोजन सिक्रीशन, ये भी नहीं होगा. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका थर्ड. क्लियर? उसके बाद देखें आप 102. द फीमेल एक्सटर्नल जिनाइटेलिया इंक्लूड, फीमेल एक्सटर्नल जिनाइटेलिया में क्या क्या शामिल होंगे? तो आपको ध्यान होगा फीमेल एक्सटर्नल जिनाइटेलिया जो होंगे इसमें मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस एंड हाइमन, ये इसमें शामिल होते हैं. तो इनके अकॉर्डिंग जो है वो अगर हम देखें तो फीमेल एक्सटर्नल जिनाइटेलिया इंक्लूड यूट्रस, वेजाइना, मॉन्स प्यूबिस. इसमें यूट्रस और वेजाइना दोनों ही इसमें शामिल नहीं है, केवल मॉन्स प्यूबिस है. सेकंड में दे रखा है लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा एंड क्लाइटोरिस, ये तीनों एक्सटर्नल जिनाइटेलिया. थर्ड में वेजाइना एंड सर्विक्स, ये दोनों एक्सटर्नल जिनाइटेलिया नहीं है, ये दोनों एक्सटर्नल जिनाइटेलिया में शामिल नहीं होंगे. चौथे में लेबिया मेजोरा है, यूट्रस वेजाइना, इसमें यूट्रस और वेजाइना नहीं है, लेबिया मेजोरा है केवल इसमें. तो करेक्ट आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है? सेकंड जो है वो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है, जिसमें लेबिया मेजोरा भी, लेबिया माइनोरा भी और क्लाइटोरिस भी, ये तीनों इसमें एक्सटर्नल जिनाइटेलिया में शामिल है. क्लियर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सेकंड. उसके बाद नेक्स्ट पे 103. फेज विच अकर बिटवीन 15-28 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज. 15-28 डे का जो टाइम होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वो कौन सा पीरियड होता है, कौन सी फेज है? इट मींस ओव्यूलेशन के बाद. ओव्यूलेशन के बाद की जो फेज आती है 15-28 डेज तक, वो कंटिन्यू कौन सी चलती है? ल्यूटियल फेज, इसको सिक्रेटरी फेज कहेंगे. तो ये ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज होंगी. तो करेक्ट आंसर इसके अकॉर्डिंग आएगा थर्ड, क्योंकि प्रोलीफ्रेटिव और फॉलिकुलर फेज जो है उन दोनों का ही टाइम जो है वो क्या रहता है, फॉलिकुलर फेज या प्रोलीफ्रेटिव फेज है, ये दोनों रहती हैं 6-14 डे तक ये रहेंगी, और उसके बाद 15 डे से स्टार्ट हो जाती है इसमें ल्यूटियल फेज. तो करेक्ट आंसर जो है वो इसमें क्या आना चाहिए, थर्ड आ जाएगा, ल्यूटियल फेज. क्लियर? उसके बाद 104. एक्रोसोम कंटेंस एंजाइम्स दोज आर सिक्रेटेड बाई. एक्रोसोम में जो एंजाइम्स होते हैं किसके द्वारा स्रावित होते हैं?
तो एक्रोसोम अपने आप में किसका मॉडिफिकेशन है, बनता है किससे, गोल्जी बॉडी से। क्लियर, एक्रोसोम जो है वो गोल्जी बॉडी से बना होता है, जो स्पर्मेटिड होती है उस स्पर्मेटिड की गोल्जी बॉडी, उन्हीं गोल्जी बॉडी की वेसिकल्स ये मिलके क्या बनाती हैं, एक्रोसोम। और उस एक्रोसोम के अंदर एंजाइम होते हैं एक्रोसिन या जोनालाइसिन और हाइलुरोनिडेज, जिन दोनों का ही सिक्रीशन जो है वो कौन कर रहा है, उसकी गोल्जी बॉडी कर रही है। तो करेक्ट आंसर जो है वो इसमें क्या रहेगा, गोल्जी बॉडी रहेगा। तो थर्ड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, गोल्जी बॉडी। क्लियर, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 105, इन स्पर्मेटोजेनेसिस द फेज ऑफ मैच्योरेशन इन्वॉल्व। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में मैच्योरेशन फेज में क्या होगा, तो मैच्योरेशन फेज में ग्रोथ ऑफ स्पर्मेटोगोनिया इनटू स्पर्मेटोसाइट्स, ये कौन सी फेज चलेगी, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट का बनना, दैट इज ग्रोथ फेज, तो ये इनकरेक्ट। सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोगोनिया फ्रॉम गोनेडोसाइट्स थ्रू माइटोसिस, तो माइटोसिस से स्पर्मेटोगोनिया से, ये गोनेडोसाइट से स्पर्मेटोगोनिया बनना, दैट इज गोनेडोसाइट से स्पर्मेटोगोनिया बनना मल्टीप्लीकेशन फेज, ये मल्टीप्लीकेशन फेज। उसके बाद थर्ड ऑप्शन देखिए आप, थर्ड ऑप्शन में दे रखा है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स फ्रॉम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थ्रू मियोसिस, करेक्ट है। इसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स से स्पर्मेटिड का बनना, ये मैच्यूरेशन फेज में आएगा, तो मैच्यूरेशन फेज के लिए ये करेक्ट हो गया, नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा इसमें, 105 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये इनमें थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। क्लियर, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 कैपेसिटेशन रेफर्स टू चेंजेस इन द, कैपेसिटेशन क्या होता है, कैपेसिटेशन या योग्यता अर्जन जो है वो क्या होता है, स्पर्म का फर्टिलाइजेशन करने से पहले उसका मैच्योर होना या फर्टिलाइजेशन के लिए उसका कैपेबल होना, दैट इज कैपेसिटेशन और योग्यता अर्जन। क्लियर, तो इसमें दे रखा है कैपेसिटेशन रेफर्स टू चेंजेस इन द स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले स्पर्म के अंदर होने वाले जो चेंजेस है वो क्या होंगे, कैपेसिटेशन या योग्यता अर्जन। क्लियर, तो उसमें आंसर आ जाएगा फोर्थ। उसके बाद 107, ए गोनेडोट्रोपिन हार्मोन एक्स एक्ट ऑन इंटरस्टीशियल सेल्स एंड स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ वाई, आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन एक्स, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन में दो हार्मोन्स होते हैं आपको ध्यान होगा, FSH और LH। क्लियर, अब आपको क्या बता रखा है, एक्स एक्ट ऑन इंटरस्टीशियल सेल, तो इंटरस्टीशियल सेल पे जो एक्ट करता है वो कौन सा हार्मोन होता है, या तो LH, इसी का दूसरा नाम होता है ICSH, इंटरस्टीशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या LH हार्मोन। LH या ICSH हार्मोन जो है वो एक्ट करेगा किस पे काम करेगा, इंटरस्टीशियल सेल या लीडिंग सेल पे, ये इंटरस्टीशियल सेल या लीडिंग सेल पे काम करेगा। ये इंटरस्टीशियल सेल या लीडिंग सेल जो है वो क्या करती है, ये सेल एंड्रोजन सिक्रीट करती है, ये सेल एंड्रोजन सिक्रीट करेगी, तो इसमें सेल्स एंड स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ वाई, तो लीडिंग सेल को या इंटरस्टीशियल सेल को स्टिमुलेट कर रहा है, या इसी सेल कह दो या इंटरस्टीशियल सेल या लीडिंग सेल, इस पे काम कर रहा है और इसको एंड्रोजन सिक्रीशन के लिए स्टिमुलेट कर रहा है, तो LH, ए की जगह LH और बी की जगह एंड्रोजन, ए LH और बी की जगह एंड्रोजन, तो ये फर्स्ट आ जाएगा। क्लियर, तो आंसर फर्स्ट आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें आप देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट डिस्क्राइबिंग गोनेडोट्रोपिन एक्टिविटी इन नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल, एक नॉर्मल सामान्य गर्भवती महिला में गोनेडोट्रोपिन सक्रियता की सही व्याख्या का चयन कीजिए। पहला, हाई लेवल ऑफ HCG स्टिमुलेट द थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम की थिकनिंग के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोजेस्टेरोन, तो HCG के लेवल का इस पर कोई इफेक्ट नहीं है। हाई लेवल ऑफ FSH एंड LH स्टिमुलेट थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, डायरेक्ट FSH और LH भी थिकनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन नहीं होते,
हाई लेवल ऑफ एफ एस एच एंड एल एच फैसिलिटेट इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। इम्प्लांटेशन के लिए भी एल एच एफ एस एच का रोल नहीं होता। इम्प्लांटेशन कब होगा? जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल ज़्यादा होगा, और वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर करता है। जब वो यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर करेगा, यूट्रस की थिकनेस बढ़ेगी, उसमें ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगी, वो सारी जो प्रोसेस है वो किसके थ्रू हो रही है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण हो रही है, तो वो भी इससे डायरेक्ट लिंक नहीं है। हाई लेवल ऑफ एच सी जी स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एच सी जी का लेवल बढ़ेगा तो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करेगी। एच सी जी कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है, और कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगी तो इसमें इसका कॉर्पस ल्यूटियम के मेंटेन रहने के कारण एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन जो है वो उसमें बढ़ जाता है। तो ये फोर्थ जो है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा इसका। क्लियर? तो करेक्ट डिस्क्रिप्शन हो जाएगी इसकी फोर्थ। उसके बाद देखें नेक्स्ट 109। वर्टिब्रेट ब्रेन डिफ्रेंशिएट्स फ्रॉम, वर्टिब्रेट ब्रेन जो है यानी नर्वस सिस्टम, तो नर्वस टिश्यू की ओरिजिन है, या डेराइव अगर देखें तो नर्वस टिश्यू किससे डेराइव होता है, नर्वस टिश्यू का ओरिजिन या डेरिवेशन जो है वो किससे होगी, एक्टोडर्म से। क्लियर? तो करेक्ट आंसर जो है वो इसमें क्या आना चाहिए, एक्टोडर्म जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद देखें 110। फॉलोइंग इज स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ 24 डेज, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द फेज ए एंड बी इफ मेंस्ट्रुअल फेज इज ऑफ 3 डेज। अगर मेंस्ट्रुअल फेज 3 दिन की है तो उसमें आपको ए और बी को कैलकुलेट करना है। इसके लिए आप एक सीधा सीधा फंडा ध्यान रखें, मेंस्ट्रुअल साइकिल चाहे वो 24 डेज की हो, 34 डेज की हो, चाहे वो 30 डेज की हो, हमेशा लास्ट की जो ल्यूटियल फेज है उसका टाइम फिक्स होता है। किसी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल में ल्यूटियल फेज होती है, या जिसको सिक्रेटरी फेज कह सकते हैं, उसका टाइम हमेशा फिक्स होता है। वो हमेशा कितने टाइम की होती है, वो 14 डेज की ल्यूटियल फेज होती है। क्लियर? तो ल्यूटियल फेज का टाइम जो है वो हमेशा फिक्स रहेगा 14 डेज का। अब उसके अकॉर्डिंग आप इसमें जो है वो देख सकते हैं टोटल मेंस्ट्रुअल फेज कितने टाइम की, मेंस्ट्रुअल साइकिल 24 डेज की है, तो 24 डेज की है तो ये कौन सी फेज है, ये ल्यूटियल फेज है। ल्यूटियल फेज है वो कितने टाइम की होगी, ये फिक्स है, आपको बता रखी है ल्यूटियल फेज 14 डेज की होगी। ल्यूटियल फेज 14 डेज की हो गई तो ये कितने टाइम की रह गई, 10 डेज का ये ड्यूरेशन रह गया, 10 डेज का ये ड्यूरेशन रह गया, जिसमें आपको क्या बता रहा है कि लेंथ ऑफ मेंस्ट्रुअल फेज की जो लेंथ है, मेंस्ट्रुअल फेज इज ऑफ 3 डेज, तो मेंस्ट्रुअल फेज की दे रखी है 3 डेज। ये 3 डेज दे दी, ये 14 डेज है, ये 3 डेज है, तो ये कितनी हो गई, 7 डेज की हो जाएगी, ये 7 डेज। तो ए में तो क्या आएगा, 7 डेज, और बी कितनी होगी, 14 डेज। ए 7 डेज, बी 14 डेज, तो आंसर क्या जाएगा इसका, आंसर जो है वो इसका फोर्थ हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ल्यूटियल फेज का टाइम है वो हमेशा हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में फिक्स होता है। अगले नेक्स्ट ओव्यूलेशन के नेक्स्ट 14 डेज के बाद जो इसकी कॉर्पस ल्यूटियम है वो डिजेनरेट होकर कॉर्पस एल्बिकेंस बना देती है। क्लियर? नेक्स्ट इसमें सेमिनल प्लाज्मा द फ्लूड पार्ट ऑफ सीमन इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई, सेमिनल प्लाज्मा जो सीमन का पार्ट है, द फ्लूड पार्ट ऑफ सीमन इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई, किससे कॉन्ट्रीब्यूट होता है सेमिनल प्लाज्मा, किससे बन रहा है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, तो किन से बन रहा है, ये यूरेथ्रा को छोड़कर, समझ रहे हो भाई, यूरेथ्रा से कोई सिक्रीशन नहीं होता, तीनों एक्सेसरी ग्लैंड जो होती हैं उन तीनों एक्सेसरी ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो मिलके बना रहा है सेमिनल प्लाज्मा, तीनों एक्सेसरी ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो मिलके बनाता है सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा इट मींस सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन, प्रोस्टेट ग्लैंड का, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन। क्लियर? कि तीनों मिलके बना रहे हैं, तो फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112। स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। स्पर्मिएशन क्या प्रोसेस किसको कहेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स से। जो ये इनमें आपने देख रखा है
ये इनके अंदर जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है जिनमें ये सर्टोली सेल होती हैं, और यहाँ स्पर्म बन रहे हैं। इन स्पर्म का इससे बाहर निकलना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर रिलीज हो जाना, इसी को कहेंगे स्पर्मिएशन। तो स्पर्मिएशन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलना, ये स्पर्मिएशन होगा। क्लियर। मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल इज जनरली प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन फीमेल अराउंड। मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल जो है वो किस टाइम पे जो है वो उसमें पॉसिबल है। तो मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल कब होनी चाहिए? मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल का मतलब होता है जब ओव्यूलेशन से ठीक पहले। ओव्यूलेशन किस में होगा? मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल में ओव्यूलेशन होगा। तो ओव्यूलेशन से ठीक पहले की जो फेज होती है उसमें ग्रेफियन फॉलिकल प्रेजेंट होती हैं, जो प्राइमरी से सेकेंडरी बनती है, टर्शियरी बनती है, और लास्ट में मैच्योर फॉलिकल ग्रेफियन फॉलिकल होती हैं। तो कब पॉसिबल है ये, कब बन सकती हैं? ये फॉलिकुलर फेज के अंदर बनेंगी और फॉलिकुलर फेज के भी लास्ट स्टेज में। तो फॉलिकुलर फेज आपको ध्यान है सिक्स्थ डे से स्टार्ट हो जाती है और सिक्स्थ डे टू 14-15 डे तक फॉलिकुलर फेज चलती है। क्लियर। तो स्टार्टिंग के अंदर जब रहेंगी तब तक वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी फॉलिकल रहेंगी, उसके लास्ट टाइम में जो है वो मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल बनती है। इट मीन्स कौन से डे होनी चाहिए? 5-8 डेज नहीं होगी, 5-8 डेज है वो प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल होती हैं। 11-17 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ये करेक्ट हो सकता है। 18-23 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ये नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद ओव्यूलेशन हो जाता है तो ग्रेफियन फॉलिकल होती नहीं है, उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाती है। ये भी करेक्ट नहीं है और इस कंडीशन में भी करेक्ट नहीं है। इसमें भी क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटियम रहती है जो आगे चल के कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट होती है। इसका मतलब करेक्ट आंसर कब पॉसिबल है, कब देखी जा सकती है? 11-17 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 11-17 डेज में जो है वो इनको हम देख सकते हैं। क्लियर। 114 इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन होने के जस्ट बाद क्या होता है? रोपण होने के ठीक बाद, रोपण के ठीक बाद या इम्प्लांटेशन के ठीक बाद इनर सेल मास डिफरेंशिएट इनटू एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, यही करेक्ट है। क्या हो जाएगा? गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट हो जाता है जैसे ही इम्प्लांट होगी ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट के यूट्राइन एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट होते ही जो है वो उसमें गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें एक्टो, मीजो और एंडोडर्म इनकी फॉर्मेशन होती है। और पहले इनके अंदर जो बनती हैं वो एक्टो और एंडोडर्म बनती है, मीजोडर्म जो है वो की लास्ट में बनती है। क्लियर। तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, इनर सेल मास डिफरेंशिएट इनटू एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। क्लियर। 115 विच अमंग द फॉलोइंग हैज 23 क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम्स का मतलब हो गया आपको कौन सा सेट देखना है? जहां क्रोमोसोम्स हैप्लोइड सेट में प्रेजेंट हो, क्रोमोसोम का हैप्लोइड सेट हो, एंड वो कंडीशन जो है वो कौन सी है? स्पर्मेटोगोनिया 2n होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया 2n है, जाइगोट भी दोनों गैमेट्स के फ्यूजन से बन रहा है, ये भी 2n है, सेकेंडरी ओसाइट जो होती है वो n होती है, ओगोनिया भी 2n है। इट मीन्स n स्टेज में जो है वो कौन सी है? सेकेंडरी ओसाइट है जिसमें 23 क्रोमोसोम पॉसिबल है। क्लियर। तो थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट 116 मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड, इनमें सेलेक्ट करना है आपको ट्रोफोब्लास्ट, कॉलम फर्स्ट ट्रोफोब्लास्ट क्लीवेज इनर सेल मास इम्प्लांटेशन एम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन द एंडोमेट्रियम ग्रुप ऑफ सेल्स आउटर लेयर ब्लास्टोसिस्ट माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट। तो ट्रोफोब्लास्ट तो क्या हो जाएगी? आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट अटैच टू द एंडोमेट्रियम, ये ट्रोफोब्लास्ट होगी। क्लीवेज माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट, जाइगोट के माइटोटिक डिवीजन हो गए। इनर सेल मास ग्रुप ऑफ सेल्स दैट वुड डिफ्रेंशिएट एज एम्ब्रियो एंड इम्प्लांटेशन एम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन द एंडोमेट्रियम, तो ये इसमें आ जाएगा फर्स्ट। तो करेक्ट आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? थर्ड फोर्थ सेकेंड फर्स्ट, थर्ड फोर्थ सेकेंड फर्स्ट, थर्ड फोर्थ सेकेंड फर्स्ट, सेकेंड आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। इसमें नेक्स्ट 117 विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाई ह्यूमन प्लेसेंटा, ह्यूमन प्लेसेंटा से ध्यान होगा भाई आपको कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं,
ह्यूमन प्लेसेंटा के हार्मोन्स में होते हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एचसीजी, एचपीएल, रिलैक्सिन। ये सारे हार्मोन्स जो है वो प्लेसेंटा के हार्मोन्स हैं, एचसीजी, एचपीएल, रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अब इनमें आप देखिए कि कौन सा हार्मोन है जो प्लेसेंटा से सिक्रीट नहीं होता है, नॉट सिक्रीटेड बाई पूछ रहा है। तो नॉट सिक्रीटेड बाई, एचसीजी सिक्रीट होता है, एस्ट्रोजन भी सिक्रीट होता है, एचपीएल भी होता है, ह्यूमन प्लेसेंटल एस्ट्रोजन हार्मोन भी, और एफएसएच ये ओवरी का हार्मोन है। एफएसएच हार्मोन जो है वो इससे सिक्रीट नहीं होता, क्योंकि ये किससे सिक्रीट होता है, सॉरी एफएसएच हार्मोन जो है वो किसका हार्मोन है, एफएसएच हार्मोन जो है वो इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है। एफएसएच हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होगा। क्लियर यहां तक? तो ये इसमें फोर्थ आंसर जो है वो इसका सही हो जाएगा कि एफएसएच हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है, बाकी सारे जो है वो इसके प्लेसेंटा के हार्मोन है। क्लियर? उसके बाद 118 में यूरिथ्रल मीटर्स रेफर्स टू द, यूरिथ्रल मीटर्स या मूत्रोजनन छिद्र जो है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट के लिए, गलत है। ओपनिंग ऑफ वास डिफरेंस इनटू यूरेथ्रा, ये भी गलत है। एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ यूरिनोजेनाइटल डक्ट, मूत्रोजनन वाहिनी का बाहरी छिद्र जो होता है उसी को कहते हैं यूरिथ्रल मीटर्स या मूत्रोजनन छिद्र। क्लियर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। नेक्स्ट 119, मोरूला इज ए डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ, मोरूला एक परिवर्धनशील अवस्था है, किस किस के बीच बनता है मोरूला, मोरूला बनता है जाइगोट के अंदर होने वाले क्लीवेज से। जैसे ये फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन में ओम और स्पर्म दोनों फ्यूज होके जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट में क्लीवेज चलेंगे, और जाइगोट में होने वाले क्लीवेज के बाद ये क्या बनाएगा, ये एक ठोस सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, ये मोरूला बनता है। तो ये सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर मोरूला, और मोरूला बनने के बाद ये क्या बनाएगा, ब्लास्टोसिस्ट बनाएगी। मोरूला बनने के बाद ये आगे ब्लास्टोसिस्ट बनेगी। क्लियर? तो ये मोरूला के बाद जो है वो इसमें ब्लास्टोसिस्ट, जिसमें ये इनर सेल मास बन गई और ट्रोफोब्लास्ट बन गया। क्लियर? तो किस किस के बीच हो गई है, बिटवीन द जाइगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट। फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, जाइगोट और ब्लास्टोसिस्ट। ये जाइगोट बना, यहाँ फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, और जाइगोट के बाद ये मोरूला, मोरूला के बाद ब्लास्टोसिस्ट। तो ये इन दोनों के बीच किस स्टेज होती है, बिटवीन द जाइगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। 120, द सेलुलर कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम एट ओव्यूलेशन इज, ओव्यूलेशन के टाइम कोशिकीय जो आवरण होता है इसका, उसको क्या कहेंगे, कोरोना रेडिएटा। तो कोशिकीय आवरण है वो कोरोना रेडिएटा होता है, और नॉन सेलुलर जो कवरिंग मेम्ब्रेन है वो जोना पेल्यूसिडा होती है। क्लियर यहाँ तक? जो सेलुलर कवरिंग है, जो ग्रेनुलोसा सेल्स है, वो उसके चारों तरफ कवरिंग बना के क्या बनाती हैं, कोरोना रेडिएटा, और नॉन सेलुलर जो कवरिंग होती है उसके चारों तरफ वो क्या बनाती है, वो बनाती है जोना पेल्यूसिडा। क्लियर? तो करेक्ट आंसर जो है उसमें क्या आना चाहिए, कोरोना रेडिएटा जो है वो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कि सेलुलर कवरिंग मेम्ब्रेन पूछ रहा है, तो सेलुलर कवरिंग मेम्ब्रेन में कोरोना रेडिएटा, और नॉन सेलुलर कवरिंग मेम्ब्रेन अगर पूछी जाती तो आंसर क्या होता है, जोना पेल्यूसिडा। क्लियर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, कोरोना रेडिएटा। 121, आइडेंटिफाई द ओड वन, इनमें से विषम को पहचानना है। लेबिया माइनोरा एक्सटर्नल जिनाइटेलिया है, फिम्ब्री इन्फंट, ये फिम्ब्री किसका पार्ट है, फिम्ब्री फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है, इन्फंडिबुलम फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है, स्थमस फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है। तो सबसे अलग जो है वो इनमें क्या हो गया, लेबिया माइनोरा जो है वो इनमें सबसे अलग हो गया, जो किसका पार्ट है, लेबिया माइनोरा जो है वो इसमें एक्सटर्नल जिनाइटेलिया है, जबकि ये फिम्ब्री, स्थमस और इन्फंडिबुलम ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे जो है वो किसके पार्ट है, ये फेलोपियन ट्यूब के पार्ट है। तो ये तीनों फेलोपियन ट्यूब के पार्ट है, जबकि लेबिया माइनोरा इनमें सबसे अलग है। क्लियर? तो ओड वन फर्स्ट आ जाएगा, लेबिया माइनोरा। क्लियर? 122, मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी ऊसाइट इज कंप्लीटेड, सेकेंडरी ऊसाइट के अंदर होने वाला मियोटिक डिवीजन कब कंप्लीट होता है, ये जब स्पर्म ओम के कॉन्टेक्ट में आता है उस टाइम, इनके फ्यूजन के टाइम जो है वो ये मियोसिस सेकंड कंप्लीट होता है। मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट कब होता है, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है
कि जब ग्रेफियन फॉलिकल बन जाती हैं, मैच्योर फॉलिकल बनती हैं टर्शियरी फॉलिकल से, उस टाइम इनके अंदर जो है वो मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होके सेकेंडरी ओसाइट बनता है, और सेकेंडरी ओसाइट के अंदर वापस डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, और वो डिवीजन स्टार्ट होने के बाद लंबे टाइम तक या लॉन्ग ड्यूरेशन तक जो है वो रुका रहता है, मेटाफेज सेकेंड में जाके रुक जाता है, और वो डिवीजन पूरा कब होता है, जब स्पर्म इसके कॉन्टेक्ट में आता है। तो स्पर्म के फ्यूजन के टाइम जो है वो ये सेकेंडरी ओसाइट का मियोसिस डिवीजन है वो कंप्लीट होता है। तो क्या आएगा, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद द ओवम। तो स्पर्म के ओवम के साथ फ्यूजन के टाइम या उसके संलयन के समय जो है वो ये डिवीजन कंप्लीट होता है। क्लियर, तो थर्ड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 123, द डिस्टल एंड ऑफ वास डिफरेंस इज एक्सपेंडेड एंड इन दिस रीजन एक्सेसरी ग्लैंड ओपन। डिस्टल एंड ऑफ वास डिफरेंस, वास डिफरेंस का डिस्टल एंड ध्यान होगा आपको, ये जैसे टेस्टिस है, ये एपिडिडाइमिस है, यहाँ से एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस आ रही है, एपिडिडाइमिस से जो वास डिफरेंस आएगी, ये वास डिफरेंस आके और यहाँ इसका एक्सटेंडेड पार्ट, ये वास डिफरेंस आ रही है, और वास डिफरेंस का ये पार्ट है वो एक्सपेंड हो जाता है यहाँ, और एक्सपेंड होने के बाद इसमें सेमिनल वेसिकल की जो डक्ट है वो आके उसमें ओपन होती है, तब जाके दोनों मिलके ये क्या बनाते हैं, सेमिनल वेसिकल की डक्ट जो है वो इसमें आके ओपन होती हैं, और उसके बाद ये इजेकुलेटरी डक्ट बनती हैं। क्लियर, तो कौन सी ग्लैंड जो है वो इसमें ओपन हो रही है आके, सेमिनल वेसिकल। तो क्या आना चाहिए, थर्ड जो है वो उसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि सेमिनल वेसिकल जो है वो आके इसमें ओपन होती है यहाँ पे। क्लियर, उसके बाद देखिए 124, स्ट्रोमा ऑफ ओवेरियन कॉर्टेक्स डज नॉट पोजेस। ओवेरियन कॉर्टेक्स के जो स्ट्रोमा है उसमें क्या चीज एब्सेंट होती है या डज नॉट पोजेस, कौन सी चीज इसमें प्रेजेंट नहीं होती, सेकेंडरी फॉलिकल होती है। तो इसमें देखिए, एक तो फॉलिकल की सारी जो वेरियस स्टेजेज है वो सारी कॉर्टेक्स में ही प्रेजेंट है, प्राइमरी फॉलिकल हो, सेकेंडरी फॉलिकल प्रेजेंट होती है, टर्शियरी फॉलिकल होगी, उसके बाद ग्रेफियन फॉलिकल होगी, ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर होने के बाद कॉर्पस ल्यूटियम बनेगी वो कॉर्टेक्स में होगी, कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होके कॉर्पस एल्बिगेंस बनाएंगी वो भी कॉर्टेक्स में होंगी। मेडुला में लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसमें ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, नर्व फाइबर्स ये सारे उसमें प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, तो इनमें पूछा है कि कॉर्टेक्स पार्ट में कौन सा प्रेजेंट नहीं होगा, तो कॉर्टेक्स पार्ट में कौन सा प्रेजेंट नहीं होगा, सेकेंडरी फॉलिकल भी होगी, कॉर्पस ल्यूटियम भी होगी, ग्रेफियन फॉलिकल भी होगी, ब्लड वेसल्स जो है वो उसमें नहीं होगी। क्लियर, क्योंकि ब्लड वेसल्स जो है वो कहाँ होती है, ये इसके मेडुला पार्ट में प्रेजेंट होती है, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू होगा, ये मेडुला पार्ट में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी, बाकी कॉर्टेक्स में ये प्रेजेंट नहीं होंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, फोर्थ आंसर जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट 125, इन विच लेयर ऑफ यूट्रस द फर्टिलाइज्ड एग इज इम्प्लांटेड। फर्टिलाइज्ड एग या निषेचित अंडे का इम्प्लांटेशन या रोपण किस अवस्था में होता है, इसका इम्प्लांटेशन या रोपण जो है वो किस लेयर में होगा, एंडोमेट्रियम के अंदर जो है वो रोपण होता है, और एंडोमेट्रियम ही इसके लिए थिकनिंग करती है, स्थूलन करती है। 126, ए टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा। दोनों लेबिया माइनोरा के ऊपरी जंक्शन पे जो छोटे अंगुली नुमा प्रवर्ध होता है वो क्या होता है, बगसेफ या क्लाइटोरिस होता है। तो ध्यान होगा आपको, क्लाइटोरिस एक इरेक्टाइल टिश्यू है जिसको शिश्नका या पेनिस का समझात मानते हैं। क्लियर, तो शिश्नका पेनिस का समझात होता है, जो दोनों ही शिश्नवी और क्लाइटोरिस भी दोनों किससे बनते हैं, दोनों इरेक्टाइल टिश्यू से इनकी ओरिजिन होती है, इसलिए दोनों एक दूसरे के होमोलोगस होते हैं। क्लियर, तो करेक्ट आंसर इसका सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट, मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड इज नोन एज। स्पर्मेटिड्स का कायांतरण क्या कहलाता है, शुक्र कायांतरण, या स्पर्मेटिड में होने वाले जो चेंजेस है जिससे ये इस टाइप की स्पर्मेटिड सेल है वो किस में कन्वर्ट होती है, इस तरह के स्पर्म में, टेल कंटेनिंग स्पर्म में कन्वर्ट होती है। क्लियर, तो इस तरह की नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड सेल है वो एक मोटाइल स्पर्म में कन्वर्ट होती है, तो वो क्या कहेंगे इसको, इस प्रोसेस को कहेंगे स्पर्मियोजेनेसिस
या शुक्र कायंत्रण। क्लियर? तो ये प्रोसेस शुक्र कायंत्रण या स्पर्मियोजेनेसिस होगी। विच पीरियड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज प्रोलिफरेटिव फेज? प्रोलिफरेटिव फेज या फॉलिक्यूलर फेज जो है वो कौन सी होती है? फॉलिक्यूलर फेज जस्ट मेंस्ट्रुअल फेज के बाद की फेज है, उसको हम फॉलिक्यूलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज कहेंगे, जिसमें नई फॉलिकल मैच्योर होती है और उसके साथ साथ जो है वो यूट्रस की जो वॉल है, यूट्राइन वॉल जो डीजेनरेट हुई थी वो वापस इस फेज में रीजेनरेट होती है। क्लियर? इसलिए उसको कहेंगे प्रोलिफरेटिव फेज या फॉलिकुलर फेज, जो कब होती है? मेंस्ट्रुअल फेज के ठीक बाद। मेंस्ट्रुअल फेज फर्स्ट 3 to 5 days के लिए और उसके जस्ट बाद 6 to 14-15 days तक जो है वो क्या चलती है? वो फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज होगी। तो ये 6 to 14 days तक जो है वो उसकी प्रोलिफरेटिव फेज या फॉलिकुलर फेज होती है। क्लियर? उसके बाद देखें नेक्स्ट 129 ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ जाइगोट इनटू ओविडक्ट द डिवीजन ऑफ जाइगोट इन 2 to 16 डॉटर सेल्स दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। एक सिंगल सेल जाइगोट जैसे जैसे फेलोपियन ट्यूब में आगे की तरफ गति करता है, आगे की तरफ मूवमेंट करता है, वैसे वैसे उसमें लगातार माइटोटिक डिवीजन होते रहते हैं और उन होने वाले माइटोटिक डिवीजन के कारण जो है वो क्या रहेगा? वो सिंगल सेल जाइगोट 2 to 16 सेल मोरूला स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो मोरूला स्टेज में कन्वर्ट हो रहा है, मोरूला से ब्लास्टोसिस्ट बन रही है, इनमें होने वाले माइटोटिक डिविजन्स को क्या कहेंगे? क्लीवेज। तो ये प्रोसेस जो है वो क्या होती है? इनमें क्लीवेज की प्रोसेस के कारण जो है वो ये एक यूनिसेलुलर जाइगोट मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। 130 आफ्टर इम्प्लांटेशन ह्यूमन एम्ब्रियो इलेबोरेट प्रोजेक्शन डेवलप्ड फ्रॉम द ट्रोफोब्लास्ट आर कोल्ड। इम्प्लांटेशन के बाद या रोपण के बाद एम्ब्रियो की बाहरी सतह से उसकी ट्रोफोब्लास्ट से कई तरह के अंगुली नुमा उभार प्रवर्ध निकलते हैं और वो अंगुली नुमा प्रवर्ध या उभार जो है वो उसको यूट्रस में, यूट्रस की वॉल के अंदर उसको इम्प्लांट करवाते हैं। ये यूट्रस की वॉल है और ट्रोफोब्लास्ट जो होता है वो क्या करता है? इससे कई तरह के अंगुली नुमा उभार प्रवर्ध निकलते हैं जो इसको इसके साथ इंटरडिजिटेट करवाते हैं। तो ये इंटर डिजिटेट करवाने वाले ट्रोफोब्लास्ट के जो प्रवर्ध है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो है ट्रोफोब्लास्ट के, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या कहेंगे? ये कोरियोनिक विलाई होते हैं, कोरियोनिक रसांकुर या कोरियोनिक विलाई कहेंगे इनको। क्लियर? तो ये कोरियोनिक रसांकुर या कोरियोनिक विलाई होंगे। तो करेक्ट आंसर सेकेंड हो जाएगा इसका। क्लियर? नेक्स्ट, फर्स्ट पोलर बॉडी इज फॉर्म्ड एट विच स्टेज ऑफ ऊजेनेसिस? ऊजेनेसिस की कौन सी स्टेज में फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है? तो फर्स्ट पोलर बॉडी कब बनेगी? ये जब प्राइमरी ऊसाइट होता है, 2N सेल है प्राइमरी ऊसाइट, तो ये प्राइमरी ऊसाइट में मियोसिस फर्स्ट होता है। प्राइमरी ऊसाइट में मियोसिस फर्स्ट होगा जिसमें एक बड़ी सेल बनेगी, दूसरी छोटी सेल बनेगी, ये N और ये भी N। कब बन रही है? ये मियोसिस फर्स्ट के टाइम बन रही है। तो मियोसिस फर्स्ट हो रही है जहां ये एन जो बन रही है वो फर्स्ट पोलर बॉडी है, ये फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है, ये फर्स्ट पोलर बॉडी और ये सेकेंडरी ऊसाइट बन रही है। क्लियर? तो मियोसिस फर्स्ट के टाइम जो है वो इनमें फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। क्लियर? तो फर्स्ट पोलर बॉडी की फॉर्मेशन मियोसिस फर्स्ट में, सेकेंड पोलर बॉडी की जो बनती है वो सेकेंड मियोसिस में बनती है। क्लियर? 132 इन ह्यूमन द अनपेयर्ड मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज। इसमें मानव में अनपेयर्ड मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो कौन सी होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड है, वो अनपेयर्ड होती है। बाकी आपको ध्यान है सेमिनल वेसिकल भी पेयर में होती है, टेस्टिस भी एक जोड़ी होते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी पेयर में होती है। अनपेयर्ड जो ग्लैंड है वो केवल एक ही है इनमें, प्रोस्टेट ग्लैंड है, वो अनपेयर्ड ग्लैंड होती है इसकी। क्लियर? 133 द ओवरीज मेंटेन देयर पोजीशन बाई। ओवरी की पोजीशन जो है वो किसके कारण मेंटेन रहती है? ओवरी में आपको ध्यान होगा यूट्रस के दोनों तरफ ओवरी जो प्रेजेंट होंगी, ये ओवरी की प्रेजेंस ये इस टाइप से जो है वो ओवरी प्रेजेंट होती हैं और ये ओवरी को इसके साथ जोड़े रखने के लिए एक तरफ ये यूट्राइन वॉल के साथ जुड़ी रहेगी और दूसरी तरफ जो है वो बाहर के ये एब्डोमिनल वॉल के साथ जुड़ी रहती है। तो ये इनके अंदर जो लिगामेंट होते हैं
वो कौन से लिगामेंट इनको जोड़े रखेंगे? ओवेरियन लिगामेंट जो है वो इनकी स्टेज में इन्हें बनाए रखेंगे। क्लियर? तो करेक्ट आंसर जो है वो इसके लिए क्या आएगा, द ओवरीज मेंटेन देयर पोजिशन बाई ओवेरियन लिगामेंट। तो ओवेरियन लिगामेंट के कारण ही अपनी पोजिशन को मेंटेन की रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इन स्पर्मेटोजेनेसिस विच सेल्स आर प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ मल्टीप्लीकेशन फेज, गुणन प्रावस्था के अंत में शुक्राणु जनन के अंदर क्या बनेगा? तो मल्टीप्लीकेशन फेज के अंदर या गुणन प्रावस्था कंप्लीट होती है तब तक इनके अंदर केवल स्पर्मेटोगोनिया अपने नंबर्स को मल्टीप्लाई करते रहेंगे। तो इसका मतलब इसका एंड प्रोडक्ट जो बनेगा मल्टीप्लीकेशन फेज का वो भी क्या बनेगा, स्पर्मेटोगोनिया ही बनते हैं। तो इनके अंदर जो है वो इन स्पर्मेटोजेनेसिस विच सेल्स आर प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ मल्टीप्लीकेशन फेज, मल्टीप्लीकेशन फेज के अंदर उसके एंड में कौन सी सेल्स बनेंगी, तो कौन सी सेल बनेंगी इनमें, स्पर्मेटोगोनिया बनती है। सेकेंड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 135, हाउ मेनी स्पर्म्स एंड ओवम आर फॉर्म्ड बाई 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंड 100 प्राइमरी ओसाइट। आपको ध्यान होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होगी वो कितने ओवा को, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो कितने स्पर्म फॉर्म करेगी, वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 4 स्पर्म प्रोड्यूस करती है। दो मियोसिस फर्स्ट में जब होगी तब पहले दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस सेकेंड करके 4 स्पर्मेटिड बनाएंगे और चारों स्पर्मेटिड 4 स्पर्म बनाएंगे। क्लियर? तो एक से 4 बनते हैं और ओजेनेसिस में एक ओसाइट से एक ही ओवम बनता है, बाकी क्या बनती है, 3 पोलर बॉडी बनती है। ये इनमें 3 पोलर बॉडी बनेंगी और इनके अंदर जो है वो क्या रहेगा इसमें, तो इसका मतलब क्या देखा, ओवम आर फॉर्म्ड बाई 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 100 से 400 स्पर्म्स बनेंगे और ओवम जो है वो 100 प्राइमरी ओसाइट से ओवम कितने बनेंगे, 100 ओवम बनेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ध्यान होगा आपको स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर कोई पोलर बॉडी नहीं बनती, इसलिए हर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 4 स्पर्म की प्रोडक्शन करती हैं। लेकिन ओजेनेसिस के अंदर जो है वो क्या होता है, एक प्राइमरी ओसाइट जो है उससे एक ओवम बनता है, बाकी 3 पोलर बॉडी बनती हैं। क्लियर? समझ में आ गया? ओके, थैंक यू।